अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल किकी न्यूज में। चॉकलेट से बने 106 किलो के गणपति के करें दर्शन, अनोखे तरीके से होगा विसर्जन, संदेश भी छुपा हुआ है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरे देश में गणपति महोत्सव की धूमधाम देखी जा रही है। जन्मोत्सव पर सभी घरों में गणपति जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं गणपति जी की एक खास मूर्ति की। पूरे देश में बप्पा के भक्त विभिन्न स्वरूपों से उनकी पूजा कर रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में गणपति जी की एक मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि मूर्ति को खास तरीके से तैयार किया गया है। आम लोगों को इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाने का संदेश देने के लिए बेलफास्ट बेकरी की तरफ से 106 किलो के चॉकलेट के गणेश तैयार किया गया है। चॉकलेट गणेश को तैयार करने में 3 दिन तक का समय लगा था। रोचक बात यह है कि गणेश की मूर्ति एक जगह पर खास कर रखी दूध से विसर्जित की जाएगी। चॉकलेट दूध का शेक तैयार कर गरीब बच्चों के प्रसाद के तौर पर बांटा जाएगा। आपको बता दें कि हर साल बेलफास्ट की तरह से गणेश चतुर्थी की इसी अंदाज में मनाई जाती है। चॉकलेट से गणेश की मूर्ति तैयार करने वाले हरजन सिंह बताते हैं कि आम तौर पर देखने में आया कि लोग बाजार से गणेश की मूर्ति लेकर आते हैं, जिसे पीओपी या फिर किसी अन्य चीज से तैयार किया जाता है। इन मूर्तियों को बनाने में केमिकल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इन मूर्तियों का नदी में विसर्जित किया जाता है, जो कि पानी को भी दूषित करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट गणेश को तैयार किया गया है। इसे दूध में विसर्जित कर इसका शेक तैयार किया जाएगा। इस शेक को प्रसाद के तौर पर गरीब बच्चों में बांट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। चॉकलेट के गणेश जी को उनके बारे में कुछ भी कमेंट करना प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और आप साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।